तो दोस्तों आप भी बनाना चाहते हैं अपने पास एक ऑटोमेटिकली बिल कुछ इस तरीके से, जैसे कि देखिए दोस्तों मेरे पास ये एक बिल है और मैंने बिल में अपना आइटम डाला, मेरा HSN कोड अपने आप आया, रेट अपने आप आया, बस मुझे यहाँ पे डालनी है क्वांटिटी और ऑटोमेटिकली मेरा बिल का टोटल GST वगैरह ऐड होकर नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो ये बिल आपको किस तरीके से बनाना है, चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। दोस्तों इस तरीके का बिल बनाना अगर आप सीखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर तो हम कैसे बना सकते हैं, आज हम लोग दोस्तों इसी बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों, चलिए आज हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम बिल की डिजाइन बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने एक बिल का डिजाइन बनाना सीखा था, जिसकी कि मैं दोस्तों आपको डायग्राम दिखा देता हूं कि हमने किस तरीके का बिल बनाया था। हमने दोस्तों ये वाला बिल बनाना सीखा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग सीखेंगे अपना दूसरा बिल बनाना। तो हम दोस्तों ये वाला बिल बनाना सीखेंगे आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो इस तरीके के बिल दोस्तों सबसे पहली बात तो अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे लाएंगे, तो आप कोई भी एक ब्राउजर ओपन करेंगे, अपने इंटरनेट का कनेक्शन चालू करेंगे अपने लैपटॉप डेस्कटॉप में, और सबसे ऊपर दोस्तों आप टाइप करेंगे google.com। और यहाँ पे दोस्तों गूगल टाइप करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल बिल फॉर्मेट। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दोस्तों एक्सेल बिल फॉर्मेट और एंटर। और यहाँ से हम दोस्तों क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, यहाँ पे हमारे सामने इमेज आ जाएंगी और आप जो भी बिल बनाना चाहें वो बिल आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको दोस्तों इमेज डाउनलोड करनी नहीं आती है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले कोई बिल देख लेता हूँ जो मैं बनाना चाहूँ। चलिए तो मैं ये वाला बिल ले लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक बिल आ रहा है, अब हमें ये सेव करना है तो हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे सेव इमेज एज। और इसको आपको कहाँ पे डाउनलोड करना है, मुझे डेस्कटॉप पे करना है, तो मैं यहाँ डेस्कटॉप पर क्लिक करूँगा, जो भी बिल का नाम देना है वो बिल का नाम दे दूँगा और इसको सेव पर क्लिक कर दूँगा। तो मैं इसको फिलहाल मैं कैंसिल कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे पास बिल एक पहले से है। मैं आज दोस्तों ये वाला बिल आपको बनाना सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो मैं इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से और मैं ओपन कर रहा हूँ अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब सबसे पहले दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने उस बिल को यहाँ पर ओपन कर ले रहा हूँ ताकि मुझे बार बार वहाँ पर जाके देखना ना पड़े और मैं यहीं की यहीं देखता रहूँ। तो इसके लिए आपको दोस्तों इंसर्ट में जाना पड़ेगा, आप यहाँ से क्लिक करेंगे पिक्चर पर। नॉर्मली दोस्तों आप जब बिल बनाते हैं तो बिल आपके सामने रखा होता है, लेकिन मेरे सामने नहीं है इसलिए मुझे यहाँ से लेना पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, और मैं यहाँ से उस बिल को ओपन कर ले रहा हूँ जो मुझे बनाना है। तो देखिए दोस्तों मेरे सामने बिल यहाँ पर आ चुका है। अब दोस्तों सबसे पहले हमको बिल को बनाने से पहले उसके कॉलम्स की काउंटिंग करनी होती है कि हमें उसमें कितने कॉलम रखने हैं। तो जैसे ही देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कॉलम आ रहे हैं, वो कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5। पहला हमारे पास डिस्क्रिप्शन का है, दूसरा HSN कोड का है, तीसरा क्वांटिटी, फिर रेट, फिर अमाउंट। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास यहाँ पर 5 कॉलम है, तो मैं भी अपने 5 कॉलम गिन लेता हूँ, ABCDE। यहाँ तक दोस्तों मेरे 5 कॉलम हो गए हैं ई तलक। तो मैं ई के अंदर ही अंदर इस पूरे का पूरे बिल का डायग्राम तैयार करूंगा। और कैसे करना है दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ घंटी के आइकॉन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैंने इसके थोड़े थोड़े कॉलम्स को बड़ा कर लिया है, यहाँ से आप इनके बीच में रख के इनके कॉलमों को बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों आपको बिल बनाने से पहले दोस्तों आप हमारी एक्सेल की बाकी की वीडियोस को भी देख लें, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम हम किस तरीके से करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रख ले रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारे सामने आ रहा है जो भी हमारी कंपनी या फर्म का नाम है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पहली लाइन को, यहाँ से कर देता हूँ इसको मर्ज। तो मैंने यहाँ से इसको मर्ज कर दिया। दोस्तों आप कभी भी कोई बिल वगैरह बनाए तो पहले वाले कॉलम को आप खाली ही छोड़ दें, तो क्योंकि थोड़ा सा बॉर्डर लेने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है आपको। तो हम दूसरे वाले से शुरू करते हैं और यहाँ से क्लिक करते हैं मर्ज सेल से। मैंने मर्ज कर दिया, कैपलॉग ऑन किया और मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि इंडिया लिमिटेड और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद नीचे दोस्तों एड्रेस आ रहा है, तो हम यहाँ पे एड्रेस दे देते हैं 11/9/ यहाँ पे आ रहा है जंगपुरा भोपाल।
मैं यहाँ दोस्तों एड्रेस डाले, मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, मैं इससे बढ़िया एड्रेस अपना कुछ और डाल दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ डाल दिया अपोजिट केनरा बैंक अलीगढ़ यूपी 20-2001। इसके बाद नीचे दोस्तों हमारे पास आ रहा है जीएसटी नंबर, तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देते हैं कुछ भी एक। तो मैंने यहाँ पे एक जीएसटी नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे सामने आ रहा है दोस्तों पैन नंबर के लिए, तो हम यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन नंबर डाल दिया। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये हमारी हेडिंग है, तो हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ से नॉर्मली हम 14 या 16 या 18 का कोई भी साइज ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारी हेडिंग है, और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। इसके बाद ये एड्रेस वाला कॉलम हमारा दोस्तों बीच में आ रहा है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से मिडिल कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इसकी एक एक लाइन को सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ आप इसको मर्ज नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज कर लिया। ये बात आप दोस्तों ध्यान रखें कि जिसमें जितने कॉलम है उतने कॉलम के अंदर ही आपको बिल बनाना है। इसके बाद ऊपर की लाइन आपको सिलेक्ट करी दोस्तों मर्ज की, इसके अंदर क्या है दोस्तों कलर आ रहा है यहाँ पे ब्लू कलर, तो हम यहाँ से इसके बैकग्राउंड कलर पे गए और यहाँ से हमने इसको ब्लू कलर दे दिया। तो यहाँ डार्क ब्लू आ रहा है, तो मैं डार्क ब्लू ही दे दे रहा हूँ। इसके बाद नीचे लिख रहा है दोस्तों टैक्स इनवॉइस, तो नीचे ही लाइन को सिलेक्ट करके मैंने मर्ज किया। मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों टैक्स इनवॉइस। इसके बाद नीचे की लाइन दूसरी पतली आ रही है, तो मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से मर्ज किया और इसके बिल को थोड़ा सा यहाँ से पतला कर दे रहा हूँ इस लाइन को, और इस लाइन को भी मैं यहाँ से मर्ज कर वो कलर कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों नीचे हमारे सामने पार्टी की डिटेल्स आ रही है, कुछ पार्टी डिटेल्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी कुछ एड्रेस लिख रहा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा पहले वाले बॉक्स को थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं दोस्तों अपनी पार्टी का नाम जो भी हमें डालना है वो अपनी पार्टी का नाम डालेंगे। तो पहले यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स लिख दे रहा हूँ मैं ऊपर। एंटर किया मैंने। अब पार्टी के नाम में मैं सपोज देन कुछ भी लिख दे रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कृष्णा वासने। इसके बाद इनका एड्रेस डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। सपोज देन मैंने यहाँ पे एड्रेस लिख दिया इनका, मैंने यहाँ पर इनका एड्रेस लिख दिया शक्तिनगर गुलर रोड अलीगढ़। इसके बाद इनका जीएसटी आईएन नंबर दे देते हैं, तो कोई भी एक नंबर मैंने यहाँ बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा देखेंगे तो इस बिल में क्या है दोस्तों, आपको ये दिख रहा है यहाँ पे देखिए इनवॉइस नंबर और टैक्स इनवॉइस, ये इनकी दो दो लाइन के बराबर आ रहा है, यानी कि पार्टी डिटेल्स और इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इतना बड़ा एक बॉक्स है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर चार बॉक्स आ रहे हैं हमारे सामने, ये चार हमारी रो यूज हो रही हैं, तो मैं इनकी चार रो में से दो दो रो को एक कर दूंगा। तो दो रो मैंने इधर सेलेक्ट करके मर्ज करी, दो को इधर सेलेक्ट करके मर्ज किया, फिर इनको मर्ज किया और फिर इनको मर्ज किया, यानी मैंने इसके चार कॉलम्स में दो दो रो बना लिए हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं अब इनकी जो हेडिंग है वो हेडिंग डाल दे रहा हूँ। सबसे पहले लिख रहा है इनवॉइस नंबर, हमने इनवॉइस नंबर लिख दिया, जो भी हमारा नंबर आ रहा है वो हमने नंबर डाल दिया। मैं 2021-22 दे रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आ रहा है इनवॉइस डेट, मैंने इनवॉइस डेट डाल दी दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद जो भी हमारी आज की तारीख है, तो मैं आज यहाँ पे अपनी तारीख डाल रहा हूँ, तो 28/4/2021 एंटर कर दिया, और इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से कर दिया इसको मिडिल। तो देखिए मेरे सारे के सारे नाम बीच में आ गए। अब मैं सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से बोल्ड कर दे रहा हूँ इनको, और इसके साइज़ को नॉर्मल दोस्तों साइज़ एक बार स्टेप बढ़ा ले रहा हूँ, तो मैं इसको 22 कर दिया। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे इसके साइज़ को 12 कर लिया है। अब दोस्तों हम नीचे की इसकी एंट्रियों को भरेंगे, तो देखिए पहले यहाँ पे फिर से एक लाइन आ रही है, मैंने फिर इस लाइन को किया, यहाँ से मर्ज कर दिया, कलर दे दिया और इसको थोड़ा सा यहाँ से पतला कर दिया। इसी तरीके से दोस्तों नीचे की लाइन को सिलेक्ट किया हमने, इसको भी यहाँ से मर्ज किया, इसमें यहाँ से कलर किया और इसको यहाँ से थोड़ा सा पतला कर लिया। अब यहाँ पर मैं दोस्तों इसकी जो भी हेडिंग्स हैं वो डाल दे रहा हूँ। इसके बाद आ रहा है HSN कोड, इसके बाद क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। तो ये हमने सारी की सारी हेडिंग दोस्तों यहाँ पे अपनी बना ली हैं।
इसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, थोड़े से कॉलम छोड़ते हैं और इस पूरी की पूरी लाइन को हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ से हम लोग फिर से मर्ज करते हैं और यहाँ पे कलर डालेंगे। अब दोस्तों मर्ज करने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, हम लास्ट के एक सेल को छोड़ेंगे यानी हमारा ई तलक है तो हम इसको डी तलक सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों अपना टोटल अमाउंट। हमने टोटल अमाउंट लिखा, इस पर क्लिक करा और इसकी अलाइनमेंट को राइट में मूव कर दिया और इसको मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे डैश वगैरह आ रहे हैं तो वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ डैश डाल देते हैं अपने, तो हमने डैश लिखा, एंटर, फिर से डैश, फिर एंटर, फिर डैश, फिर एंटर और फिर डैश। तो हमने यहाँ पे दोस्तों डैश डाल के इसको एंटर कर दिया है। अब इसके बाद नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, तो नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इसकी हेडिंग आ रही हैं। अब यहाँ पर इसके इस वाले सेल में लिख रहा है यहाँ पर एड GST, सॉरी दोस्तों CGST। इसके बाद नीचे लिख रहा है यहाँ पे ऐड SGST और इसके बाद यहाँ पे इनकी परसेंटेज दी गई है, कितनी कितनी परसेंट इन पे लग रही है, तो मैंने यहाँ दे दिया 14%, फिर नीचे आया यहाँ पर भी 14% और एंटर। इसके बाद दोस्तों फिर हम यहाँ से एक कॉलम छोड़ के इसको सबको सिलेक्ट करके मर्ज करेंगे और यहाँ लिखेंगे ग्रांड टोटल, इसको सिलेक्ट करके मैंने इसकी अलाइनमेंट को फिर वही राइट पे मूव कर दिया, इसको यहाँ से बोल्ड कर दे रहा हूँ और इस पूरे के पूरे बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर और फॉन्ट का कलर यहाँ से वाइट, ऐसे ही हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर, ये फॉन्ट कलर। इसके बाद इनमें भी दोस्तों हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है तो हम इनमें भी यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे के फॉन्ट कलर को वाइट कर देते हैं और इन सब की अरेंजमेंट को दोस्तों राइट हैंड पर मूव कर देते हैं, या आप मिडिल में रखना चाहें तो आप मिडिल में भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे आ रहा है टोटल अमाउंट, तो हम यहाँ पे एक सेल छोड़ के नीचे की तरफ हम यहाँ पे डालेंगे अमाउंट ब्रैकेट में INR स्पेस डैश, यहाँ लिख देते हैं हम इन वर्ड्स, जो भी हमें वर्ड लिखने हैं। इसके बाद अमाउंट दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ये लिख दिया गया, लेकिन दोस्तों अभी अमाउंट कैसे आ जाएगा जब तक हमारा ग्रांड टोटल नहीं निकलेगा, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद नीचे की तरफ हमने यहाँ पे इन दो तीनों सेलेक्ट कर लिया सेलों को और यहाँ से मर्ज किया और यहाँ पर हमने लिख दी अपनी हेडिंग, तो यहाँ पर हमारे सामने हेडिंग आ रही है फॉर, जो भी हमारी कंपनी का नाम है, रवि इंडिया लिमिटेड। और डॉट एंटर करेंगे दोस्तों, दो कॉलम खाली छोड़ देंगे और नीचे सिग्नेचर के लिए हम जगह बना देंगे। इन तीनों लाइनों को ही दोस्तों सिलेक्ट करके हम मर्ज करेंगे और इनको हम लोग कर देंगे राइट अलाइनमेंट, तो ये हमारे राइट साइड में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये हमारे सामने हमारे बिल का डायग्राम बन चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ प्रिंट पे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और प्रिंट पे जाके हाथ रोकेंगे, प्रीव्यू को चेक करेंगे हम लोग यहाँ से। तो ये हमारे सामने देखिए दोस्तों हमारी डिज़ाइन यहाँ बनके आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, इनके ऊपर लाइन डालनी है, तो मैं यहाँ से इसको क्रॉस करता हूँ। अब मुझे इस पर बॉर्डर डालना है दोस्तों, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इन चारों लाइनों को सिलेक्ट करूँगा, ऊपर की किसी लाइन पर बॉर्डर नहीं है फिलहाल में, तो हमने इनको छोड़ दिया। इन चारों को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक करके हम इस पर आउटलाइन बॉर्डर डालेंगे। ये सभी सेल हमारे अलग अलग हैं, इनको चाहे तो आप एक एक करके दे सकते हैं, नहीं तो सबको ऑल बॉर्डर दे देंगे आप। फिर मैंने ऐसे नीचे की तरफ इनको सिलेक्ट किया, इनको भी मैंने ऑल बॉर्डर कर दिया। अब देखिए दोस्तों बीच में यहाँ पर लाइंस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पेज पे लाइन दिखा रहा है, लेकिन हमें लाइन नहीं चाहिए, तो हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर देंगे। ऐसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये आउटलाइन बॉर्डर, ये सिलेक्ट किया, ये आउटलाइन बॉर्डर, ऐसे इन सबको सिलेक्ट करके दोस्तों मैं यहाँ से इसको आउटलाइन बॉर्डर दे दूँगा। तो देखिए सभी पे मैंने आउटलाइन बॉर्डर यहाँ पे दे दिया है। अब नीचे की तरफ से दोस्तों देखते हैं, तो देखिए नीचे यहाँ तक हमारा कोई बॉर्डर नहीं है, तो यहाँ पे ये सिंगल बॉर्डर, ये इन दोनों को सिलेक्ट करके सिंगल, ऐसे ही इन सभी पर हम लोग आउटलाइन बॉर्डर केवल दे देंगे दोस्तों। दोस्तों वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हम पे जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा बिल तैयार हो चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बच रहा है ये हमारी लाइन का,
तो जहाँ तक ये दोस्तों लाइन आ रही है उतना ही बड़ा हमारा पेपर का प्रिंट आउट होता है। तो हम इसके सभी कॉलम्स को थोड़ा थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये पूरे पेज पर भर के आए। अब हम यहाँ से फिर से प्रिंट पर जाकर इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। तो देखिए ये हमारे सामने हमारा प्रीव्यू आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर साइड में यहाँ पर बॉर्डर नहीं आ रहा है जैसे हमारे बिल पर आ रहा है। तो देखिए जैसे कि ये आप बिल देख रहे हैं, ये जो बिल है इस पर देखिए आप चारों तरफ से दिख रहा है आपको ये बॉर्डर आ रहा है और इस पर भी बॉर्डर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने बिल को पूरे को सिलेक्ट करेंगे पहले जहाँ से हमें शुरू करा है और जहाँ तक हमें चाहिए, तो वहाँ तक हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से क्लिक करके इस पर देंगे दोस्तों थिंक बॉर्डर। और अब मैं इसका जब प्रीव्यू चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों ये हमारे सामने हमारा बिल कंप्लीट होके आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आपको कोई भी बिल बनाना हो तो आप किस तरीके से बना सकते हैं तो वो आप इजीली आज सीख चुके होंगे। तो अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको सिखाएंगे इस जो हमने बिल बनाया है इस बिल के अंदर अगर हमें फीडिंग करनी हो यानी इसके अंदर अगर आइटम वगैरह डालने हैं हमें तो हम किस तरीके से डालेंगे, तो हम अगली वीडियो में ये सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। में हमने अपनी वीडियो में बिल बनाने का फॉर्मेट सीखा था, अब हम उस बिल को अगर किस तरीके से भरना है तो उस बिल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले मैं दोस्तों आपका बिल का प्रिंट प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ कि हमारा बिल किस तरीके से बना है। तो हम गए अपने ऑफिस बटन पे, यहाँ से प्रिंट पे जाएंगे और प्रीव्यू पे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमने अपना लास्ट में अभी बिल बनाया था। अगर आपको दोस्तों बिल बनाने वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिए और इस बिल को बनाना सीख लीजिए। अब हम लोग दोस्तों इसके अंदर एंट्रियाँ भरेंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस हैं, अब ये बॉक्सेस क्या है दोस्तों थोड़े से ज़्यादा हैं और आइटम भी इसमें काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं दोस्तों, थोड़े से इसके बिल की एंट्रियों को कम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से इनको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम इनको डिलीट कर देते हैं। तो थोड़ी एंट्रियों को हमने कम कर लिया और ये जो इनके सेल हैं इनकी थोड़ी सी हाइट को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि सेल थोड़ा बड़ा हो जाए। तो हम यहाँ से फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट में जाकर हमने रो की हाइट को बढ़ाया। तो जैसे 15 की चल रही है तो मैंने यहाँ से कर दी 18 की। तो थोड़ा सा हमारा जो इसका रो है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों अपने कुछ प्रोडक्ट भर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमारा कंप्यूटर का काम है तो हम यहाँ पे अपने कंप्यूटर के हिसाब से ही यहाँ पे भरेंगे अपना। और मैं बिल का दोस्तों नाम भी यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं यहाँ बिल बनाया था तो मैं यहाँ पर नाम चेंज कर दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर कर दिया सपोज अपना ही कि कृष्णा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट डाल देते हैं। तो हम कंप्यूटर के अंदर के प्रोडक्ट डालते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे सपोज देन डाल दिया मदरबोर्ड प्रोसेसर रैम हार्ड डिस्क कैबिनेट पावर सप्लाई पावर केबल और सपोज देन माउस कीबोर्ड माउस पैड। नॉर्मली हम दोस्तों इतने ही इसमें प्रोडक्ट डाल लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कोड हो गया है जब से जीएसटी लॉन्च हुई है। उसके बाद क्या है दोस्तों, हर एक प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है, वो आपको मार्केट में मिल जाता है कि किस प्रोडक्ट का क्या कोड है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली दोस्तों कोई भी एक कोड की सीरीज बना लेते हैं। तो हम यहाँ बनाते हैं 1001 1002 1003। अब यही सीरीज आपको दोस्तों नीचे तक डालनी है तो आप पूरी की पूरी इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी यहाँ पर प्रेस कर देंगे। तो कंट्रोल डी से दोस्तों नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्लैक पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करके नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो सभी के आगे ऑटोमेटिकली सीरीज आ जाएगी हमारी। अब यहाँ पे क्वांटिटी की बात आ रही है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं दोस्तों, सभी की दो दो पीसेस ले रहे हैं। तो मैंने सभी के यहाँ पे दो दो पीसेस ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे रेट डालते हैं कोई भी अपना। तो जैसे हमने माना मदरबोर्ड है तो मदरबोर्ड हमने मान लिया यहाँ पर 2200 रुपये का है, प्रोसेसर हमने माना 750 रुपये का है, रैम हमने ले ली 400 की है, हार्ड डिस्क हमने मान ली यहाँ पर 3500 रुपये की है, कैबिनेट हमारी 1050 की है, पावर सप्लाई है हमारी दोस्तों 400 रुपये की और पावर केबल हमने 50 रुपये की ले ली, माउस हमने ले लिया है 150 रुपये का, कीबोर्ड ले लिया है 250 का और माउस पैड ले लिया हमने 20 रुपये का। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे इनका टोटल निकालना है। तो हम यहाँ इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे सम एंड ब्रैकेट। सॉरी दोस्तों इसमें सम नहीं लगाना, हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट लगाना है तो हमें इनका केवल गुणा करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, क्वान्टिटी का गुणा करेंगे रेट से। तो क्वान्टिटी कहाँ रही है हमारी, डी में और डी के नंबर 16 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों डी 16, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे यहाँ पे और किससे गुणा करना है दोस्तों हमें ई के 16 से यानी 2200 से गुणा करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम ई का
16 और एंटर। तो ये हमारे पास टोटल आ गया दोस्तों। इसके बाद हमें नीचे तक सभी का टोटल निकालना है, तो हम सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही सबका टोटल निकल के आ जाएगा। और अगर आप नहीं निकालना चाहते तो आप डायरेक्टली दोस्तों आप अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं कि इक्वल टू सम लगाया हमने, सॉरी दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से वही डी का 17 ले लेंगे, तो डी 17 गुणा हो जाए ई के 17 से। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी निकालना चाहें तो आप पूरे को निकाल सकते हैं। मैं फिलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दे रहा हूँ, या आप नीचे इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो आप ड्रॉ करके इसके टोटल को निकाल लेंगे एक ही बार में। अब यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन आ रहा है ग्रांड टोटल का, तो फिलहाल में मैंने जो ब्लैंक छोड़ा था इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। अब मुझे ग्रांड टोटल निकालना, तो इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे सम एंड ब्रैकेट। अब मुझे जिन सेलों को जोड़ना है उन सभी सेलों को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर टोटल निकल के आ गया है, यहाँ पे आ रहा दोस्तों यहाँ पर हमारा टोटल आ रहा है 17,540 रुपये। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, CGST और SGST लगी है इसमें 14-14%, तो इसके लिए हम इक्वल टू लगाएंगे और जो भी हमारा ग्रांड टोटल जो भी हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है उसमें गुणा कर देंगे हम लोग अपना 14% से और एंटर। तो जो भी हमारा टैक्स होगा वो यहाँ पर बन के आ जाएगा। ऐसे ही हम SGST के लिए करेंगे, जो भी टोटल आ रहा है उसमें गुणा कर देंगे हम अपनी GST का और एंटर। इसके बाद हम इक्वल टू लगाएंगे ग्रांड टोटल निकालने के लिए, सम करेंगे और हम टोटल का CGST और SGST तीनों को प्लस कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे हमारा ग्रांड टोटल निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमें अपना बिल भरना होता है तो हम अपने बिल को यहाँ पे भर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की तीसरी क्लास। तो इस क्लास में हम लोग दोस्तों सीखेंगे कि अगर हमें अपना जो भी हमने बिल बनाया है और हम अपने बिल को ऑटोमेटिकली ही अगर भरना चाहें तो किस तरीके से भरेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ले रहा हूँ। मैं पहले यहाँ से हेडिंग्स को कॉपी कर रहा हूँ अपने पास, तो मैंने यहाँ से पहले डिस्क्रिप्शन फॉर गुड्स ले लिया, एक जगह ला के पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसका HSN कोड ले लिया और HSN कोड को यहाँ पर ला के पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ से रेट ले लिया। दोस्तों हम जो यहाँ पर सीखेंगे वो हम सीखेंगे यहाँ पर बी लुकअप फार्मूले का यूज़ करना। वी लुकअप फार्मूले का यूज़ क्या है दोस्तों, कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर डालेंगे तो उसकी जो चीज़ें फिक्स हैं, जैसे कि इसका रेट फिक्स है और इसका HSN कोड फिक्स है, तो वो ऑटोमेटिक आ जाए जैसे कि मैं यहाँ पे आइटम डालूँ तभी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं कि जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं उन सभी प्रोडक्ट को हम यहाँ ले लेंगे। उसके बाद जो भी उसका कोड है उस कोड को भी यहाँ पर ला कर पेस्ट कर दे रहा हूँ। और ये मेरे पास अमाउंट है और मैंने यहाँ ये मेरे पास रेट है, मैंने इस रेट को यहाँ सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और यहाँ ला कर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने इन जो सीरीज को मैंने लिया, इन सब सीरीजों को मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट। दोस्तों बी लुकअप फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं किस कंडीशन में, पहले हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक किराने की दुकान है या मेरी कंप्यूटर की एक शॉप है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचता हूँ, तो प्रोडक्ट बेचता हूँ तो प्रोडक्ट के कोड क्या है, मैं हर एक प्रोडक्ट के कोड को याद नहीं रख सकता और गलत डल गया तो दिक्कत हो जाएगी हमें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने पास प्रोडक्टों को एक जगह लिख लेंगे और उसी तरीके से दोस्तों हर एक प्रोडक्ट का मुझे रेट भी याद नहीं रहता, बढ़ते घटते रहते हैं। तो हम जब मार्केट से अपने प्रोडक्ट को खरीद के लाते हैं तो उसकी एक रेट लिस्ट साइड में बना लेते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जब यहाँ पर अपना कोई भी अपना प्रोडक्ट डालूँ तो उसका कोड अपने आप आ जाए और उसका रेट अपने आप आ जाए। तो हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, जो चीज़ हमें अपने आप निकालनी है, जैसे मुझे यहाँ निकालना है HSN कोड, तो मैं यहाँ पर अपना कर्जर रखूँगा माउस का और इक्वल टू लगा के यहाँ लिखूँगा बी लुकअप। इसके बाद मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, तो मैंने बी लुकअप लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, यानी किस वैल्यू के अकॉर्डिंग बी लुकअप निकालेगा। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन फॉर गुड्स के नीचे जो ब्रैकेट है इसके अकॉर्डिंग निकाले, क्योंकि मैं अपना जो भी प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा वो मैं यहाँ लिखूंगा और उसको ही ये यहाँ पर डिटेक्ट कराएगा। कॉमा लगाऊंगा, इसके बाद कह रहा है टेबल एरे, यानी किस टेबल में से वो उस अमाउंट को ढूंढे, यानी जो आपका कोड है उसको वो किस टेबल में ढूंढे। तो हमने इस वाली टेबल को यहाँ पर सिलेक्ट करा देंगे कि वो जो भी यहाँ पे HSN कोड निकालेगा वो इस टेबल में से ढूंढ के निकालेगा। कॉमा, इसके बाद कह रहा है कॉलम का इंडेक्स नंबर, यानी जो भी चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो और जो आपने टेबल सेलेक्ट कर रखी है उस टेबल में कौन से नंबर के कॉलम पर आ रही है। तो मैंने जो ये टेबल सेलेक्ट करी है इसमें HSN कोड की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरी टेबल सेलेक्ट है, इसमें देखिए कॉलम नंबर 1 मेरा ये है और कॉलम नंबर 2 ये है जिसमें HSN कोड लिख रहा है। तो मेरा कॉलम नंबर 2 है HSN कोड का और मुझे यहाँ पर क्या निकालना है HSN कोड, तो मैं यहाँ पर कॉमा लगा के 2 लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आ रही है हमारे पास रेंज लुकअप की, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाएंगे दोस्तों और लास्ट में इसको ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। तो हम यहाँ पे दोस्तों लास्ट में लगा देंगे 0, बाय डिफ़ॉल्ट है ये फिक्स है, आपको 0 ही लगाना है। ब्रैकेट को आप यहाँ बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एन लिखा हुआ आ गया है।
अब मैं इस पूरी की पूरी लिस्ट में से कोई भी अगर प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करूँगा तो उसका कोड अपने आप आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा माउस लिखता हूँ और माउस का मेरा कोड कितना है दोस्तों, 1008। तो यहाँ पर जैसे मैं एंटर करूँगा तो देखिए 1008 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास 1008 यहाँ पर निकल के आ चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों मुझे बाकी के सबका निकालना है, तो हम इन सबका बाकी ऐसे ही निकालेंगे। मैं आपको एक और निकाल के दिखा रहा हूँ। तो मैंने इक्वल टू लगाया, VLOOKUP बी लुकअप ब्रैकेट लुकअप वैल्यू इस वैल्यू के अकॉर्डिंग कॉमा कहाँ से, इस वाली टेबल में से। इसके बाद क्या निकालना है हमें, बी लुकअप वो HSN कोड निकालना है। तो HSN कोड कौन से नंबर पर है, दूसरे नंबर पर। तो हम यहाँ पर दो नंबर दे देंगे, कॉमा जीरो लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। अब इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर अपना दूसरा प्रोडक्ट डाल के देख लेता हूँ। सपोज देन मैंने यहाँ पर डाला रैम और मैं एंटर करूँगा तो रैम का कोड है हमारा 1003। तो देखिए हमारे सामने 1003 हमारा कोड डल के आ चुका है। इसी तरीके से दोस्तों मैं यहाँ पर रेट का निकालता हूँ। तो मैं इक्वल टू लगाऊंगा और यहाँ लगाऊंगा VLOOKUP वी लुकअप। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही किस वैल्यू के अकॉर्डिंग ढूंढेगा, इस वाले सेल के अकॉर्डिंग ढूंढेगा, कॉमा कहाँ से, इस वाली टेबल में से ढूंढेगा, कॉमा। अब यहाँ किसकी बात आ रही है दोस्तों, रेट की। तो रेट का कॉलम कौन सा है हमारा, ये पहला, दूसरा HSN कोड का, तीसरा हमारा रेट का। तो हम यहाँ तीन नंबर देंगे, कॉमा लगा के जीरो देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारे माउस कितने का है दोस्तों, तो यहाँ देख लेंगे माउस हमारा 150 रुपये का है। ऐसे ही हम रैम वाले का भी सिलेक्ट करते हैं। तो इक्वल टू VLOOKUP वी लुकअप ब्रैकेट हमने लगा दिया और यहाँ से हमने रैम वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, फिर वही टेबल को पूरी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब रेट फिर से कौन सा है, तीसरे नंबर पर, कॉमा जीरो, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए हमारा रेट इसका अमाउंट निकल के आ गया यहाँ पे, कि 400 रुपये की हमारी रैम है, दो पीस हमने खरीदे हैं, तो 800 रुपये का बिल हमारा हो गया। और आप नीचे देखेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों आपका पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर होता रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप बी लुकअप की मदद से कोई भी टेबल को आसानी से सर्च कर सकते हैं या किसी भी प्रोडक्ट वगैरह को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार दोस्तों। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बाकी के जितने भी इसके आइटम्स बचे हैं उन सभी की घर पे आप अपने प्रैक्टिस करिए, बाकी की सारी चीज़ों को आप यहाँ से निकाल लेंगे अपने पास। इसी तरीके से दोस्तों आपको सभी सेलों के अंदर ये बी लुकअप का फॉर्मूला लगाना है। मैं एक बार और आपको लगा के दिखा रहा हूँ, इसके बाद आपको खुद लगा लेना है घर पर। तो मैं यहाँ पर एक बार और लगा रहा हूँ, VLOOKUP ब्रैकेट, इसके बाद किस सेल के अकॉर्डिंग निकालना है मुझे, इस वाले सेल के अकॉर्डिंग, कॉमा कहाँ से, इस वाली टेबल में से, कॉमा। अब HSN कोड कौन से नंबर पर है, वही दूसरे नंबर पर, कॉमा जीरो लगाऊंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर। तो यहाँ पे मैं कोई भी आइटम डाल देता हूँ, मैंने कहा HDD, तो HDD आ गया हमारे पास। इसके बाद हमें रेट का निकालना है, तो VLOOKUP वी लुकअप ब्रैकेट, फिर वही HDD वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा किस टेबल में से, इस वाली टेबल में से, कॉमा तीन नंबर, कॉमा जीरो, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों आप बाकी के सभी सेलों का यहाँ पर निकाल लेंगे। आप दोस्तों इस सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे तक लाने के बाद आप Ctrl-D प्रेस कर सकते हैं। तो Ctrl-D जब आप प्रेस करेंगे दोस्तों तो सभी के अंदर ये फॉर्मूला हमारा लग के आ जाएगा। लेकिन दोस्तों जब आप इस फॉर्मूले को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो आप ये देखेंगे जो टेबल का हमारा एरिया हमने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली ही नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा, आप देख रहे हैं दोस्तों। अब मैं यहाँ पर अगर अपना आइटम लिखता हूँ, सपोज देन मैं यहाँ पर कोई भी आइटम लिखता हूँ, तो मैंने जरा फॉर्मूला लगा दी, मैं यहाँ लिखता हूँ माउस, एंटर, कुछ नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि उसके पास एरिया ही गलत है। अब तो आप देखेंगे नीचे की तरफ, तो देखिए हम यहाँ फॉर्मूले चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे एरिया दे रहा है। अब यहाँ पे एरिया कुछ है ही नहीं, तो वो निकालेगा कहाँ से। तो इसके लिए अब आपको दोस्तों क्या करना है कि आप इसको पहले यहाँ पर इस जो आपका दोस्तों ये फॉर्मूला है बी लुकअप का, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते, इसके लिए कुछ और कंडीशंस करनी पड़ेंगी। तो इसको अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अब हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की अगली क्लास। तो अगली क्लास में दोस्तों अब हम क्या सीखेंगे, बी लुकअप के फॉर्मूले को ड्रॉ करना बाकी सभी सेलों में। तो इसके लिए क्या है दोस्तों, जैसे कि आपने अपना बी लुकअप का बाकी के आपने दोनों क्लासों में देख लिया है, पहली क्लास में हमने आपको सिखाया था बिल को बनाना, दूसरी क्लास में आपने बिल के फॉर्मेट को बनाना सीख लिया था, तीसरी क्लास में हमने आपको बी लुकअप का फॉर्मूला समझा दिया है। अब आज की क्लास में हम लोग दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, कि हम इसमें आपको पूरा का पूरा इसका परफॉर्मा को हम लोग बी लुकअप के द्वारा पूरे सेलों को भर के दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें बी लुकअप के फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं तो नीचे तक हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि मेरे पास दोस्तों ये मेरा सेल आ रहा है, तो यहाँ पे आपने देख रहे हैं दोस्तों कि ये हमारी पूरी पूरी टेबल में जो हमने फॉर्मूला लगाया था वो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर हमारे फॉर्मूला बार पर शो कर रहा है। अब दोस्तों जब हम इसके फॉर्मूले को ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, ये सेल हमारे नीचे की तरफ ड्रॉ होते जाते हैं, ये जो सेल होते हैं दोस्तों वो नीचे की तरफ ड्रॉ होते जाते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए,
कि ये जो हमारा टेबल का एरिया है ये हमारा ड्रॉ नहीं होना चाहिए, यानी ये नीचे नहीं सरकना चाहिए, ये यहीं की यहीं रहे, ये एरिया नहीं बदले और बाकी के जो भी इसके रो एंड कॉलम हैं वो सब बदलते रहें। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा टेबल का एरिया है उस टेबल के एरिया को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग दबा देंगे दोस्तों F4। तो जैसे ही मैं दोस्तों F4 दबाऊंगा, इसके जो आपने सेल्स को सिलेक्ट किया है, जो टेबल का एरिया आपने सिलेक्ट किया है, उन सब के आगे आप देखेंगे दोस्तों तो डॉलर का सिंबल लग जाएगा। इस डॉलर के सिंबल का मतलब होता है कि जो आपने रो एंड कॉलम की जो एरिया सिलेक्ट किया है ये एरिया इसने लॉक कर दिया, यानी कि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो इसके सेल ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ नहीं सरकेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और देखिए यहाँ देखिए टेबल हमारी कितनी आ रही है, इतने हिस्से में आ रही है क्योंकि सेल नीचे की तरफ ड्रॉ हो गया। ऐसे ही मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए नीचे की तरफ ड्रॉ हो गई। लेकिन अब मैंने पहली वाली टेबल में क्या कर दिया, यहाँ पर जो मेरा पहला सेल है HSN कोड का, मैंने इस पर क्या किया, फॉर्मूले को लॉक कर दिया यहाँ पर बीच का एरिया। अब जब मैं इसको एंटर करके यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो कोई भी सेल मेरा नहीं खिसकेगा। तो देखिए माउस के आगे इसका कोड निकल के आ गया है। तो इसी तरीके से आप इसको भी अगर लॉक करना चाहें तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसके सेल्स को यहाँ पे लॉक कर देंगे और एंटर। इसके बाद आप जब इस फॉर्मूले को ड्रॉ करेंगे तो आपकी टेबल नीचे की तरफ ड्रॉ नहीं होगी। तो देखिए हमारे सामने हमारी प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे निकल के आ चुका है। अब दोस्तों अब अगर आपने ये फार्मूला सीख लिया है तो अब ये आपका बिल आपके सामने दिख रहा है कि आपका जो बिल है वो किस तरीके का बन के आ रहा है। अब ये बिल आप ऐसे कैसे किसी कस्टमर को देंगे भाई, जितने में आपने प्रोडक्ट लिखे हैं वो सब तो क्लियर आ रहा है, लेकिन जितने में आपने प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं उसमें तो क्या ये NA सा लिखा हुआ आ रहा है और नीचे ना कोई टोटल है, ना कोई अमाउंट है, ना डिस्काउंट वगैरह कुछ भी नहीं कट रहा है इस फॉर्मूले में। तो इस तरीके से बिल तो हम किसी को नहीं दे सकते। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके साथ साथ अब आपको एक फार्मूला और यूज करना पड़ेगा। तो हमने ये पहली वाली अपने इसमें लगाया है, तो मैं इसी जो मेरा पहला माउस का मैंने निकाला है HSN कोड और इसका जो रेट निकाला है, मैं इसमें एक फार्मूला और ऐड करूँगा इफ़ एरर का। तो हम बी लुकअप हमने इक्वल टू के बाद और बी लुकअप से पहले लगाएंगे यहाँ पे इफ़ ERROR इफ़ एरर और ब्रैकेट, हमने ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद आगे आप देख रहे हैं जो हमारी कंडीशन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जहाँ पे हमारा बी लुकअप का फॉर्मूला ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आप कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे आप दोस्तों लगा देंगे इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस छोड़ देंगे और दोनों तरफ से इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, अब देखिए मैं इन सभी आइटम्स को भी हटा दे रहा हूँ। तो देखो मैंने इसमें इफ एरर का फॉर्मूला लगाया है, तो देखिए ये वाला सेल हमारा बिल्कुल खाली आ रहा है जबकि फॉर्मूला ऊपर लगा हुआ है। इसमें मैंने इफ़ एरर का फॉर्मूला नहीं लगाया है तो देखिए इसमें अभी NA लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी इक्वल टू ऑफ वी लुकअप से पहले यहाँ लगाऊंगा इफ़ एरर ब्रैकेट बंद, लास्ट में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए ये भी हमारा NA हो गया। इसके बाद हम इस पर आएंगे जो हमारा अमाउंट वाला है, इस पर भी हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू और वैल्यू से पहले, तो इफ एरर ब्रैकेट लास्ट में आके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा बंद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखिए ये भी हमारा खाली हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इनको पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा पूरा का पूरा बिल हमारे पास सेट हो चुका है। तो हमने तीनों सेलों को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और देखिए पूरा बिल हमारा यहाँ पर सेट है। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों जो भी प्रोडक्ट डालेंगे उसका टोटल अमाउंट अपने आप निकल के आ जाएगा। तो मैं फ़िलहाल में इसको भी हटा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे दोस्तों जो भी अपना प्रोडक्ट डालना चाहूँगा वो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे डालूँगा और उसका रेट HSN कोड वगैरह निकल के सब कुछ आ जाएगा। अब ये बिल हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा बन चुका है, यानी कि आप कहें तो आपका बिल इस समय अब ऑटोमेटिक कंडीशन पर आ चुका है। अब आप जो भी एंट्री करेंगे वो सब कुछ ऑटोमेटिक बिल आपका बनता रहेगा। तो सपोज देन मानते हैं हमारे पास कस्टमर आया, उसने हमसे मांगा मदरबोर्ड, हमने एंटर किया, मदरबोर्ड का रेट आ गया अपने आप और उसका HSN कोड आ गया। कस्टमर ने कहा भैया मुझे एक बिल दे दीजिए, एक मदरबोर्ड दे दीजिए। तो हमने क्लिक किया, 2200 रुपये का हमारा बिल हो गया, 2200 रुपये आ गए, GST लग गई 308 की, तो उसका टोटल बिल बैठ गया 2816 रुपये का। इसके बाद वो कुछ और भी मांगता है, सपोज उसने कहा भैया एक माउस पैड और दे दीजिए, तो माउस पैड मांगा उसने एक पीस, तो माउस पैड का कोड आ गया, 20 रुपये ऐड हो गए, टैक्स वगैरह लग के अब उसके हो गए
2841.60 रुपये। तो इस तरीके से दोस्तों आपका ऑटोमेटिकली बिल अब यहाँ पर बनता रहेगा जो भी आप यहाँ पर प्रोडक्ट डालेंगे। तो आप मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये बिल बनाना समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरीके से बी लुकअप और इफ एरर फार्मूले का यूज करते हैं अपने एक बिल को बनाने में। तो आज की क्लास में दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे अपने बिल के अंदर, हमने जो दोस्तों अभी तक के रिकॉर्ड में हमने सीखा है बी लुकअप फार्मूला लगाना, यानी कि अगर हमारे पास कोई एक हमारी शॉप शोरूम वगैरह कुछ भी है उसमें अगर हम चाहते हैं कि हम अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट डालें तो उसका रेट और क्वांटिटी यानी कि वो सारी चीज़ें अपने आप भर के आ जाएं जो चीज़ें हमारी फिक्स हैं। अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे, यार मैंने अब जैसे बिल ये बना दिया है तो मैंने आइटम लिखूंगा तो यहाँ पर रेट और उसका HSN कोड तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन यार मुझे अब ये आइटम भी याद नहीं रहते कि मेरी दुकान पर क्या क्या आइटम है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर भी मेरे आइटम जो हैं वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही डल के आएँ। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा दोस्तों कि मैं अगर अपने आइटम्स को भी ऑटोमेटिकली यहाँ डाल के लेना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊँगा यहाँ से अपनी जो भी मेरा एरिया है उस पूरे एरिया को सिलेक्ट करके, पहले मैं यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं अपने पूरे एरिया को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा दोस्तों अपने डेटा के अंदर और यहाँ से लूँगा डेटा वैलिडेशन और डेटा वैलिडेशन पर जाकर दोस्तों मैं यहाँ से क्लिक करूँगा लिस्ट पर। इसके बाद यहाँ पर सोर्स का एरिया आ रहा है, हम यहाँ सोर्स वाले एरिया में अपने वो सारे आइटम सेलेक्ट कर देंगे जो हमें आइटम यहाँ पर डालने हैं। तो हम सारे आइटम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों आइटम डाल के अपना ओके कर दिया है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन बटन आ गया है। अब जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है बस आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है और उस आइटम को यहाँ से सिलेक्ट करवा देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपके ऑटोमेटिकली जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उन सभी प्रोडक्टों की लिस्ट आपकी यहाँ पर बन के आ जाएगी। अब जो भी प्रोडक्ट आप डालना चाहेंगे वो प्रोडक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपनी एक ऑटोमेटिकली सीट बना सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो अब तक की वीडियो में दोस्तों आप लोग देख चुके हैं कि हम लोग जो भी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट डाला है वो हम यहाँ से अपना प्रोडक्ट ले लेंगे। फिर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमने कैबिनेट लिए हैं 2 पीस। तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, अब यहाँ पर हमने अपना बिल बना लिया है पूरा का पूरा और इसको हम नीचे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो नीचे देखिए हमारा टोटल भी लग के आ गया है कि 2750 रुपये का टोटल हो गया। इस पर 14% CGST और SGST हो गई और टोटल जो हमारा अमाउंट है वो इतने रुपए का बनना है। अब दोस्तों इसमें लास्ट में जो कंडीशंस रह गई है जॉब की वो रह गई है यहाँ पर टोटल अमाउंट की, यानी कि यहाँ पर जो भी टोटल आए वो हमारा इन वर्ड लिखा हुआ है। अब एक तरीका तो दोस्तों सिंपल सा है कि आपको ही पता है कि आप यहाँ पर जो भी वर्ड चाह रहे हैं आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सॉरी दोस्तों एक कंडीशन तो आपको नॉर्मली पता है कि आपका जितना भी अमाउंट आ रहा है आप यहाँ पे बस टाइप कर देंगे उस अमाउंट को तो वो लिखा हुआ आ जाएगा, जैसे कि 3520 रुपीज़ ओनली। अब दोस्तों हर बार अमाउंट कौन लिखेगा बार बार, कभी नहीं ध्यान रहा तो मेरा गलत हो जाएगा बिल। तो उसके लिए दोस्तों अगर हम उसके लिए दोस्तों अब हम चाहते हैं कि हमारा जो भी यहाँ टोटल है यानी जो भी मेरा ग्रांड टोटल आए वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर आ जाए। अब इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक वो फार्मूला दोस्तों नॉर्मली हम लगा नहीं सकते हैं क्योंकि वो फार्मूला नहीं होता है, उसके लिए दोस्तों एक अलग से कोडिंग करनी पड़ती है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से पहले इस फाइल को अपनी को मिनिमाइज करेंगे। तो इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको जो फार्मूला लगाना है। अब इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर इसमें ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर टैब आ रहा है यहाँ पर हमें चाहिए एक डेवलपर टैब। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 है तो दोस्तों उसके लिए मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा अगर कोई भी दूसरा अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 है, 13 है, 16 है, तो अगर इनमें से कोई भी दूसरा अगर आपके पास प्रोग्राम है या दूसरा कोई भी अगर आप इसका वर्जन चला रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दोस्तों ऑल्ट दबा के F11 की को प्रेस करना है। तो जब आप ऑल्ट दबा के F11 की को प्रेस करेंगे दोस्तों तो आपके सामने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जाना है यहाँ से इंसर्ट में और यहाँ से आप खोलेंगे मॉड्यूल को। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मॉड्यूल के लिए आ गया है। इसके बाद जो फाइल आप डाउनलोड करेंगे उसमें इस तरीके की कोडिंग आ रही होगी, इसको आप नोटपैड के अंदर ओपन कर लेंगे और यहाँ से कंट्रोल ए दबा के इसको यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, उस फाइल को यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, जो भी उसके अंदर का मैटर था नोटपैड वाली फाइल का उसको आप पेस्ट कर देंगे यहाँ मॉड्यूल वाली फाइल में।
और आप फाइल पे जाएंगे और इस फाइल को यहाँ से आप सेव कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से आप यस कर देंगे या नहीं है तो कोई भी नाम आ रहा होगा उस नाम से उसे सेव कर देंगे, और इस फाइल को हम यहाँ से क्रॉस करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे SELL NUMBER। ये नीचे दोस्तों आप देख रहे हैं नीचे फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा जब आप इस कंडीशन को कर लेंगे। उसके बाद आपको लगाना है दोस्तों ब्रैकेट, और जिस सेल का आपको टोटल चाहिए उस सेल को आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए दोस्तों जो भी आपका बिल है वो ऑटोमेटिकली ही नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पे सपोज देन एक आध प्रोडक्ट के रेट वगैरह को बढ़ाकर चेंज करके देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना एक प्रोडक्ट और बढ़ा देता हूँ, सपोज देन मान के चलते हैं कि यहाँ पे हार्ड डिस्क और मांगी है, तो हार्ड डिस्क हमने एक पीस बेची है 3500 के हिसाब से, तो देखिए 3500 इसमें इंक्लूड हो गए। अब बिल हमारा कितने का हो गया टैक्स लगा के 8000 रुपये का। हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ₹8000 ओनली। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पूरे के पूरे बिल का परफॉर्मा बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों हमारे पास ये जो लाइन्स आ रही हैं जो हमने बिल के लिए बनाई हैं, इन सभी लाइनों को दोस्तों हम क्या करेंगे यहाँ से इनको हाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे दोस्तों यहाँ से फॉर्मेट के अंदर, और फॉर्मेट के अंदर जाके यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है हाइड एंड अनहाइड का, तो हम यहाँ से क्या करेंगे हाइड कर देंगे कॉलम्स को। तो देखिए ये हमारा छिप जाएगा, तो अब हम यहाँ से अपने बिल को प्रिंट ले सकते हैं आराम से जो भी हमें काम करना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बिल आ रहा है, थोड़ा सा बिल हमारा कट रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं इसके स्क्रॉल को। पहले हम इसके मार्जिन को सेट करके देखते हैं, तो यहाँ से हमने क्लिक किया मार्जिन पे गए, और मार्जिन पे यहाँ से गए कस्टम मार्जिन पे। अब देखिए सभी तरफ से अलग अलग चल रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और सब तरफ से हम यहाँ पे 0.5 का मार्जिन सेट कर देते हैं। और एंटर। तो देखिए दोस्तों हमारा बिल हमारी लाइन के अंदर ही आ गया है। थोड़ा सा आप चाहें तो अब इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं ताकि पूरा बिल हमारे पूरे पेज पे भर के आ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसको सेट करेंगे, यहाँ से जाएंगे ऊपर हम और यहाँ से क्लिक करेंगे प्रिंट पे और प्रिंट प्रीव्यू। तो ये हमारा पूरा का पूरा बिल दोस्तों आपके सामने बन के आ जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ढंग से प्रैक्टिस करिए, ए टू जेड हर एक चीज़ को समझिए, किसी चीज़ को आपको दिक्कत आ रही है तो उस चीज़ को आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं मैसेज देके। तो अब देखिए बीच में यहाँ पे भी लाइन्स आ रही हैं हमारे पास, हमें लाइन्स रखनी है तो रख लेंगे, नहीं है तो नहीं रखेंगे। लेकिन हमें दोस्तों इस तरीके के बिलों में लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम यहाँ बाकी जिन पर नहीं आ रही है उन सभी को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और सभी के ऊपर लाइन्स को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए हम जाएंगे होम पर और यहाँ से क्लिक करके हम यहाँ से कर देंगे इसको ऑल बॉर्डर। अब हम फिर से इसका प्रिंट लेके प्रीव्यू चेक करते हैं, तो प्रिंट पे गए यहाँ से प्रीव्यू। देखिए दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा बिल बनके हमारे सामने आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने बिल को तैयार करते हैं ए टू जेड फुली ऑटोमेटिकली। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।